लेके सब रुपया मेरा एक दिन निकल जाएगी, लेके सब रुपया मेरा एक दिन निकल जाएगी, जाके तन्हाई में खुशियों से उछल जाएगी। खाके केले इधर ना तुम जरा फेंको यारों, आने वाली है मेरी जान फिसल जाएगी। आने वाली है मेरी, और इतना बढ़िया से सुन लिया है। पल्स पोलियो वालों ने जैसे ही मेरा दरवाजा खटखटाया, मेरा बाप सामने निकल कर आया, उन लोगों ने उसी को पिला डाली। पल्स पोलियो वालों ने जैसे मेरा दरवाजा खटखटाया, मेरा बाप सामने निकल कर आया, उन लोगों ने उसी को पिला डाली। मेरे बाप ने सरकार की नस हिला डाली कि मुझको क्यों पिलाया। पल्स पोलियो वालों ने फरमाया, मेरे बड़े भाया, सरकार की तरफ से ये हुक्म है आया कि 5 साल के अंदर में पिला के आना है, वो चाहे शुरू के 5 साल हों, चाहे आखिरी के अंतिम के 5 साल हों। बहुत अच्छे। उधर से नहीं इधर से पिया, बीड़ी जला लो जिगर से पिया। चाहे जिधर से पीजिए। मेरे पिताजी बहुत अच्छे आदमी हैं। उन्होंने कहा, बेटा बिहारी लाल, हमको लगता है तुहार शादी ना होए, बहुत दिन तक हमारी शादी फंसी रही, भवई नहीं किया। बोले, बेटा बिहारी लाल, हमको लगता है तुम्हारी शादी नहीं होगी। हम कहे, पिताजी आपकी हो गई, हमके हमका यही बड़ी खुशी है। नहीं यहू दिन ने देखे के रह के। चप्पल मम देव देव, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, बढ़िया चप्पल जूता छाटिक चल दी है अपने घरे, ओम जय जगदीश हरे। और सब के नजर है ऊपर उनके, सब के नजर है ऊपर उनके, और हमार है इनके तरे। अब ये लो अम्मा ये लो बाबू, न्यू है तोहरे बरे, ओम जय जगदीश हरे। देखिए सब तो चीजें सदिया नहीं हो रही थी तो क्या हुआ, वो तो बताइबे नहीं की। सदिया वाली बतिया बताइबे नहीं की। नहीं, वही पे आ गए। पिताजी ने हमारे कहा, बेटा आप शादी करनी है। हमने कहा शादी कर लेंगे। बोले, बेटा बिहारी लाल, सुल्तानपुर में लड़की मिल गई है, शादी करना है, देख लो। पहुंच गया लड़की देखने, लड़की 4 लड़कियों के साथ बैठी है। मैंने कहा, पिताजी कहाँ एक भी नसीब में नहीं थी, कहाँ 4-4 बैठाए। तो बोले, नहीं नहीं, एक है इसमें से, पर मुझे पता नहीं कौन लड़की है। तुम थोड़ा मेरे बेटे होने के नाते थोड़ा सभ्यता और तहजीब का परिचय देकर उससे सराफत से पूछो कि कौन लड़की है। तो मैंने सभ्यता का परिचय दिया, पूरा परिचय दिया, धर्म प्रकाश दिया, पूरा परिचय दिया। हमने कहा, बहन जी, क्या हम आपको ही देखने आए हैं? तो लड़की खड़ी हो गई, बोली, अच्छा भाई साहब, आप हो क्या जो हमारे लिए आए हो? तो उसकी अम्मा ने कहा, हाय राम, ये तो रक्षाबंधन का दिन निकल गया। हम कहे, तो क्या करे, वो हमारा वाला दिन चला गया क्या? कहे, हाँ हाँ, तुम्हारा वाला दिन तुम्हारा बाप ले गया। हम कहे, अरे बाप रे, पिताजी को कोने में ले गए। हम कहे, यार पिता भी हो, पहना भी नहीं सकता। अरे हम कहे, आपने क्या किया, मेरी बरहमी लड़की थी, इसको आपने सर्वनाश कर दिया। लड़की देखी है, बड़ी सुंदर है, सुशील है, स्मार्ट है, हमको पसंद आ गई। हम कहे, पिताजी जब आप हमारे लिए गए थे तो फिर कैसे आपको पसंद? अब जब आप एक पसंद आ गई तो हमारे तो काम है धाम खत्म। अब जैसे एक अम्मा वैसे दो अम्मा, इस केस से हम फिर लम्मा लम्मा। हम कहे, पिताजी हम ऐसी लड़की सदिए नहीं करब जो बपुओं को पसंद हो, बेटुओं को पसंद। मुझे देखने जब जब कोई लड़की आती है, मैं कहता हूँ रुको बहन, मुझे मिर्गी आती है। हुए हम जिनके लिए बर्बाद, वो हमको समझे यूरिया खाद, फिर भी हम उनसे फोन पे बतियाए जाएंगे, ये जान रहे हैं जबकि हम लतियाए जाएंगे। मैंने
अपनी शादी अपने दम पर करनी चाहिए। अब मैं फैजाबाद में लड़की देखने गया, लड़की ने कहा आपकी शादी नहीं हो रही, ये रिश्ता आया था। हमने कहा तो क्या हुआ, कर लो, क्या दिक्कत है। बोले 3 लाख दहेजो और फिर हमको सहेजो। हम कहे पिताजी भेजो। 3 लाख भेज दिया, लड़की ब्लैकमेल करने लगी, बोली और कुछ चाहिए। अब हम गुस्से में आ गए कि हमारे पास कुछ नहीं, सब ले लिया, तब भी और कुछ चाहिए। तो गुस्से में बोले, तुम कहो तो फैजाबाद में दुकान दे दूं, तुम कहो बनारस का मैं ला कर पान दे दूं, तुम कहो तो दिल की धड़कन को मैं दान दे दूं, तुम कहो तो तुमको सारा हिंदुस्तान दे दूं, बिल्लो रानी कहो तो अभी जान दे दूं, गेहूं धान दे दूं, खेत खलिहान दे दूं, नाक और कान दे दूं, मान सम्मान दे दूं, सब दे दूं, लेकिन मेरी जिंदगी में एक बार चली आओ, एक बार फिर चाहे चली जाओ, कम से कम भरम तो दूर कर दो मेरी शादी का। मैं शादी देखने एक जगह और गया, लड़की वाला आया मुझे देखने, बोला शादी करना है। हमने कहा हमारा भी मामला फंसा है, जल्दी बताओ कहाँ करना है। बोला तस्वीर लाए हैं, तस्वीर फेंक दिया, पूरी मेज हिल गई। मैंने गौर से देखा, मुझे बड़ी मोटी मिल गई। हमने कहा लगता है आपने लड़की की जगह उसकी अम्मा का फोटो फेंक दिया। बोले नहीं, ये लड़की की है, अगर उसकी अम्मा का फोटो फेंक देंगे तुम्हारा पूरा खानदान हिल जाएगा। हमने कहा हमें बख्श दो, तुम्हें दूसरा मिल जाएगा। बोले नहीं, आप ऐसे करेंगे। हमने कहा तब तो सपरिवार मरेंगे, तब तो सपरिवार मरेंगे, बच्चे पैदा होंगे, मोहल्ले में चरेंगे, क्या करेंगे। बोले आप ऐसे करेंगे। हमने कहा अगर यही जिद्द है तो मेरी चेचिस को देखते हुए एक बोतल तो खून हमारे शरीर में डलवाओ और 2 बोतल खून हमारे पिताजी के शरीर में ट्रांसफर कराओ, तब तो दोनों लोग शादी के क्रियाक्रम में भाग दौड़ के योग्य होंगे, वरना यही दौरान कोई गुजर गया तो सदिया कौन है। क्या कहने बाबा 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 कि अपनी शादी के दिन अब नहीं दूर है, तुम भी अंगूर हो हम भी लंगूर हैं, तुम भी भटका करो हम भी लटका करें, फिर पुलिस वाले पकड़ पकड़ पटका करें। और मैं चाहता हूं कि हाँ जल्दी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि ये आपने बड़ा बढ़िया जो है, क्योंकि जितना दम होता है प्यार भरी बोली में उतना दम नहीं होता राइफल की गोली में, जितना दम होता है प्यार भरी बोली में उतना दम नहीं होता राइफल की गोली में। आओ तुमको रंग डालें जिंदगी के रंगों में, क्या पता मिले न मिले आने वाली होली में, क्या पता मिले न मिले। कभी ऐसे एक गाना आया था, ये गाना जरूर बजता है, ये गाना मोबाइलों में, बुद्धिहीन भैया बैठे हैं, बुद्धिहीन तन जान के सुमरे पवन कुमार ये बैठे हैं जो है, हाँ ये बैठे हैं जो है, शंकर सुमन केसरी नंदन झूठ मूठ का था गठबंधन, राम दुआरे तुम रखवारे, टेंट में कहाँ पे राम बिजारे, सब शुक्ला है तुम्हारी सरना, हार के रोग में सबके उधरना। हाँ, और बड़ा बड़ा प्यार से संकट मोचन नाम सुनावें, और संकट सुमन केसरी नंदन, और मैं 4 पंक्तियों से आपका और भी मेरा, हाँ 4 पंक्तियाँ और कहते हुए मैं विदा लूँगा, क्योंकि काफ़ी देर से आप लोग कब सम्मेलन सुन रहे हैं, क्योंकि कविता राजा रानी के सिंहासन का गुणगान नहीं, कविता चंद्रबरदाई के पीढ़ी का यशगान नहीं, क्या बात है, कविता नारी के शरीर की सुंदरता का शोध नहीं, कविता केवल कुछ शब्दों की तुकबंदी का बोध नहीं, जो अनाथ बच्चों की पीड़ा कह पाए वो कविता है, जो अशकों के संग संग बह जाए वो कविता है, जो माँ के अशकों के संग बह जाए वो कविता है, जो सुनने पढ़ने वालों को याद रहे वो कविता है, जो कवि के मर जाने के भी बाद रहे वो। वाह क्या बात, तो बहुत अच्छे। तो हालांकि ये मैं उन कवियों के लिए पढ़ा जो मर गए और जो आगे मरने वाले हैं, क्योंकि हमारे जैसे लोग कभी मरते नहीं, क्योंकि हम लोग कविता नहीं लिखते, जो कविता करेगा वही मरेगा, उनको याद करेंगे। तुलसीदास ने कविताएं की तो बेचारे मर गए, सूरदास ने कविताएं की वो भी मर गए, कबीरदास ने कविताएं की वो भी मर गए, हमारे जैसे लोग कभी नहीं मरते, वो लोग इसे घूमते रहते हवाओं में, कि जो भी मन से मुझे सुनेगा कलियों सा खिल जाएगा, कष्ट मिटेगा जीवन भर का,
जीवन भर सुख पाएगा। जो भी मुझको नहीं सुना वो आज रात पछताएगा। चार चुड़ैले दर्शन देंगी और खटिया भूत हिलाएगा। बहुत अच्छा। डर के मारे आप लोग सुनेंगे, डर के मारे। वाह 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 वाह। डर के मारे अब आप लोग सुनेंगे, क्योंकि मैंने कहा कि कुछ एक गाना जरूर बजता है ये देश है वीर जवानों का शादी में। ये गाना दूर से जब बजता है ये भैया मलवा खत्म हो जाए तो बता दीजिए। मोदी जी आ रहे हैं। मोदी जी क्या नहीं पूछ लीजिए नमुआ। दादा आपका क्या नाम? अरे 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 बड़ा अच्छा है ये। बचपन में तो ये हमको इनका नाम की गाली बहुत मिलती थी। अच्छा हाँ हाँ। क्या नाम है? भगवती जी। अच्छा अच्छा अच्छा। हुआ हमारे मेरे यहाँ कहा तो कब भगवती उठा ले जाए। आज मिल गए। तो कहो बेचारे बूढ़े हो गए नहीं तो उठाए ले जाते। वहाँ कहा जाता है गीता जी जानती हैं। वैसे आज माला डाल के गए हैं, कहा पता अगली बार उठाए के ले जाए। भगवान का सब ऐसे आप कहा थे उठाए ले जाए हैं। कहो एक कुल करे से पहले भगवान है उठाए ले जाए। भाई भगवान का ये एक थी खाली हाथ से है ये, कोई कहने से कहते हैं कि किसी के कहने से उसकी उम्र और बढ़ जाती बढ़ती है बढ़ती है। जैसे हमारे पिताजी के सर पे कौवा बैठ गया तो ये मतलब नहीं हुआ, उस कौवा बैठने का मतलब हुआ ये आदमी फिनिश हो गया। लेकिन उसका जो मूल भाव निकलता है शास्त्रीय में ज्योतिष में उसका ये होता है इसकी उम्र बढ़ गई। तो इसी कोई बात नहीं है, क्योंकि कौवे धुन बनाते हैं, कुत्ते गुनगुनाते हैं, गजल जब हम सुनाते हैं गधे सल्फास खाते हैं। गजल जब हम अरे आपे हैं क्या? ये तो बाबू बाबू केडी सिंह स्मारक हैं पूरा। हमारे बीच में भाई क्षमा पहलवान जी अभी बैठे रहे, चले गए मेरे ख्याल से। चले गए। अब बसंत लाल यादव भी चले गए। तो एक दिन तो सबक जाना है भाई। अब मान लो पहले चले गए तो कोई बात नहीं। अब हमारे बीच में भाई कन्हैया दुबे जी बैठे हैं। जब भी जब जब सूरज डूबे और आपको मनवा उबे तुरंत मिल जाइए के दुबे केडी दुबे। मैं सबका बड़ा आभारी हूँ, बड़ा नमन करता हूँ। और चार पंक्तियाँ ये तो खैर ये बैठे हुए हैं जितने बुजुर्ग बैठे हैं। गिर गए दांत तो मसूरों का हाल क्या होगा, स्वच्छ अभियान में कूड़ों का हाल क्या होगा। सुना है गांव में कैटरीना आने वाली है तो आसपास के बूढ़ों का हाल क्या होगा। क्या बात है, वाह वाह। किसी का नाम हो जाए कोई बदनाम हो जाए। क्या बात। कोई है कामयाबी पर कोई नाकाम हो जाए। सुनो वे लड़कियो तुम, सुनो वे लड़कियो तुम, दूर रहना इन बुजुर्गों से। न जाने किस घड़ी में कौन आसाराम हो जाए। न जाने किस घड़ी में कौन आसाराम हो जाए। जब कश्मीर से हटी धारा 370 तो आसाराम बापू खुश हो गए कि अब हट जाएगी धारा 376। एग्जिट पोल बता रहे हैं कि मोदी जी अमित शाह को लेकर मेरी ही तरफ आ रहे हैं। सब वकील फाइल के नीचे हैं, सिर्फ छायांक ही तो पीछे हैं। ये भी काम हो जाएगा, वो भी काम हो जाएगा। और बढ़िया जो है इतना प्यार से सुन लिया है कुछ पंक्तियां। तो एक गाना बजता था ये देश वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। पहले ये गाना अब तो डीजे बजने लगा, पहले आदमी गाना गाता था। तो गाते गाते गीत के अंत में जब जाता था तो ऐसे लगता था गायक रो रहा है दूर से सुनने में। उसको मैं सुना रहा हूँ, एक ऑब्जर्वेशन किया और उसको मैंने मुझे लगा कि इस तरह से बनाया जा सकता है रिदिम में। अब गाना सुने उसको लगेगा कि आपको वो कैसे गायक कैसे लगता है आखिर में रोआ। ये देश वीर जवानों का, नेताओं का, प्रधानों का, ये देश वीर जवानों का, नेताओं का, प्रधानों का, इस देश में यारों यदि रहना कुछ हो जाए तो मत कहना आए माइया पप्पा आए माइया पप्पा। अब उस समय
हमारी अय्या कहने लगी, बेटा बिहारी लाल, सब पे तुमने कविता पढ़ी, हमारे ऊपर नहीं पढ़ी, तो क्या मैं जब ऊपर चली जाऊंगी तब पढ़ोगे? अब देखिए, कोई बूढ़ा है उसके मुंह में दांत नहीं है, बूढ़ी है उसके मुंह में दांत नहीं है, अब वो जब पान खाएगा तो उसको उसका दृश्य कैसे होता है? कविता में कही नहीं जा सकती, ये कविता नहीं है, ये न किसी पन्ने पर लिखी जा सकती है, न कोई प्रेस में इसके अक्षर होंगे, इसको सुनने वाले हमेशा निरक्षर होंगे, मतलब पढ़ा लिखा बन के इसको सुना नहीं जा सकता, इसको बिल्कुल डूब करके बिल्कुल बिना बाधा के सुना जा सकता है। अब देखिए, कोई पान खाई है, बूढ़ी अय्या है, पान खाई है, उसका मैं दृश्य पैदा कर रहा हूँ। पान खाए अय्या हमार, पान खाए अय्या हमार, ऐसे मुँह चलावे जैसे गैया हमार, पान खाए अय्या हमार, उन्होंने मगाई सुरती सुपारी, मैं ले आया जाकर बनारस का जर्दा, इतनी उम्र में लाज यस लागे कि मुहुआ पे डालें घुघटवा के पर्दा, तकिया के नीचे चुराई के रखें कुल रुपया हमार, पान खाए अय्या हमार, ऐसे मुँह चलावे जैसे गैया हम, पान खाए अय्या हमार। आप इतना प्यार से सुन लिया, इतने साढ़ हो गए कि अखिलेश यादव जी पूर्व सीएम ने कहा, ये जो चौराहे चौराहे 100 नंबर खड़ी है ये हमारी देन है। तब तक बाबा योगी भी जोश में आ गए, बोले जो चौराहे चौराहे और खेत खेत साढ़ खड़े हैं सब हमारी देन है। अब बड़ी परेशानी, इतने साढ़ हो गए कि लील गाय के बच्चे पूछते हैं, अम्मा ये सब के हैं, पहले तो ना ही रहे। बोले अरे बेटा धीरे से बोलो, ये सब बाबा के आदमी हैं, आज है कल चले जाएंगे, इनके लिए बाड़ा बन रहा है, इनके लिए फार्म निकल रहा है, सांड बटालियन बनेगा, चाइना और पाक साफ करेंगे अपनी सींगों से, और एक भी सांड बेरोजगार नहीं रहेगा, बाबा योगी ने कहा है। इतने में सब सांड सुन गए, विधानसभा घेर लिए। बाबा ने कहा क्या डिमांड है? बोले खुला छोड़ दिए कौनो कमांड है। बोले क्या डिमांड है? बोले गऊ को कहते हैं माता, हमका पिता कहते तो क्या सरकार चला जाता। तो करिए जो है, इस तरह से हो गया। अब मैं कुछ पंक्तियां और आप तक पहुंचाते हुए मैं आपके बीच से निकल लूंगा। बड़ा प्यार से सुन लिया है कि चार पंक्तियां कि हम जिंदगी के हाथों मिस यूज हो गए, पहले बने हम सुर्खियां फिर न्यूज हो गए, मुझको खुदा ने ऐसे तराशा है दोस्तों, सब देखने वाले मुझे क्या कहने। और दमदार बनारसी जी फेसबुक चला रहे थे, इनसे किसी लड़की ने कुछ मांगा मगर गलती से और कुछ भेज दिए। अब उस पर सुनिए फॉल्ट पर कि मीटिंग जो तय हुई थी वो अटेंड हो गई, जो चाहती थी इनको अनफ्रेंड हो गई, उसने कहा था आप अपनी फोटो भेजिए, गलती से पिता वाली इनसे सेंड हो गई, गलती से पिता वाली इनसे सेंड हो गई। और मुझे आपका बड़ा प्यार बड़ा दुलार मिला, दिलों को जोड़ने वाली कोई लेई नहीं होती, ये रावण युद्ध ना करता जो वैदेही नहीं होती। वाह, दिलों को जोड़ने वाली कोई लेई नहीं होती, ये रावण युद्ध ना करता जो वैदेही नहीं होती, भटकते ही वो रहते जंगलों में रात दिन यारों, तो फिर ये राम ना होते जो कैकेयी नहीं होती, तो फिर ये राम ना होते जो कैकेयी नहीं होती। अब पानी के बिन पानी के काई मिलना कितना मुश्किल है, बिन पानी के काई मिलना कितना मुश्किल है, पर्वत के समराई मिलना कितना मुश्किल है, राम तुम्हारे जैसा कोई हर युग में मिल सकता है, पर भारत के जैसा भाई मिलना कितना मुश्किल। वाह वाह, राम तुम्हारे जैसा हर युग में रुक सकता है, पर भारत के जैसा भाई। मैं चार पंक्तियों से अपनी बात को कहेंगे जो है, चार पंक्तियां जो है कि किससे लैला मजनू के अब तो पुराने हो गए, चौधरी सपना के सब लौंडे दीवाने हो गए, हाथ में चप्पल उठा कर बीबी ने मुझसे कहा आपको पीटे हुए
कितने जमाने हो गए। तो बीबी ने कहा रोटियां हम सेक रहे हैं, सब लोग लेके थाली मुझे छेक रहे हैं। हमने कहा तुम भाग के आओ टीवी के पास, वो देखो मोदी लंबा लंबा फेंक रहे हैं। क्या बात है, जय हिंद जय भारत। वाह वाह।